आ गई है 2022 की वीक 50 की इनकम की लिस्ट। इस वीडियो में हम बात करेंगे कलर्स टीवी के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शो नाकिन सीजन 6 के इस हफ्ते की इनकम और हम बात करेंगे कलर्स टीवी के ऑल शोज की इनकम यानी प्रॉफिट। तो किस सीरियल ने इस हफ्ते सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किया है इस वीडियो में आगे हम बात करेंगे। इस हफ्ते आपके फेवरेट नागिन सीजन 6 ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट किया है हम अगर कंपेयर करें लास्ट वीक से। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को अंत तक जोर देखिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तेजस्वी प्रकाश महक सहल स्टारर शो नागिन 6 को ऑडियंस बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। इस शो की इस हफ्ते की इनकम भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा निकल कर आया है, जहाँ पर इस हफ्ते इस शो का टीआरपी था 1.6, जहाँ पर इस शो की टीआरपी कम हो गई थी, लेकिन इस हफ्ते इनकम थोड़ा सा ज़्यादा मिला है। इस हफ्ते नागिन 6 की जो इनकम है वो है 71 लाख, जहाँ पर लास्ट वीक इस शो का इनकम 64 लाख निकल कर आया था। अभी हम बात करेंगे कलर्स टीवी के ऑल शोज की इनकम और हम बात करेंगे टीआरपी रेटिंग्स, जहाँ पर ससुराल सिमर का सीजन 2 के इस हफ्ते की टीआरपी 0.8 निकल गया था, जहाँ पर इस हफ्ते इस शो का इनकम है 18 लाख, जहाँ पर इस शो की इनकम इस हफ्ते इंक्रीज हुआ है। साबिक की सवारी की टीआरपी 1.3, जहाँ पर इस शो की इनकम है इस हफ्ते 35 लाख, इस शो की इनकम थोड़ा सा इस हफ्ते कम हो गया है, लास्ट वीक था 36 लाख। उदारिया की टीआरपी 1.6 निकल गया था, इनकम निकल कर आया है 49 लाख, जहां पर इस शो की इनकम इस हफ्ते इंक्रीज हुआ है, लास्ट वीक था 40 लाख। परिणीति की टीआरपी 1.6 निकल कर आया है, जहां पर इस शो की इनकम है 49 लाख, जहां पर इस शो की इनकम इंक्रीज हुआ है, लास्ट वीक था 40 लाख। पीआर के सात बसन धर्मपत्नी की टीआरपी है 1.3, जहां पर इस शो की लास्ट वीक की टीआरपी निकल कर आई थी 1.2, इस हफ्ते इस शो की इनकम भी ज़्यादा हो गई है, इस हफ्ते टीआरपी 1.3, इनकम है 40 लाख, जहां पर इस शो की लास्ट वीक 32 लाख निकल कर आया था। दुर्गा और सारू जो न्यू शो है इसका जो ओपनिंग टीआरपी 1.3 निकल कर आया है, इनकम भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिला है 42 लाख। शेयर डील शेयर गिल की 9 PM के टीआरपी निकल कर आया था 1.0, जहां पर इस हफ्ते इस शो का जो इनकम है वो है 28 लाख, जहां पर 1 लाख इस शो का इंक्रीज हुआ है, लास्ट वीक था 27 लाख। पिशा सिंह की टीआरपी इस हफ्ते 0.9 निकल कर आया है, इनकम है 24 लाख, जहां पर इस शो के भी इनकम इंक्रीज हुआ है, लास्ट वीक था 20 लाख। नागिन 6 के 8 बजे के टाइम स्लॉट पर जो टीआरपी है 1.6, इनकम निकल कर आया है 71 लाख, लास्ट वीक था 64 लाख, जहां पर इस शो की इस हफ्ते इनकम इंक्रीज हुआ है। बिग बॉस 16 की टीआरपी है 1.9, इस शो का इनकम है 84 लाख, जहां पर बिग बॉस की भी इनकम इस हफ्ते इंक्रीज हुआ है, लास्ट वीक था 78 लाख, जहां पर इस हफ्ते कलर्स टीवी के सभी शोज की इनकम इस हफ्ते इंक्रीज हुआ है। सिर्फ एक सीरियल यानी साबिक की सबरी की इस हफ्ते की इनकम में थोड़ा सा डिक्रीज देखने को मिला है। तो ये है कलर्स टीवी के ऑल शोज की इनकम, जहां पर नागिन 6 को इस हफ्ते बहुत ही ज़्यादा अच्छा इनकम हुआ है, बिग बॉस 16 की भी इस हफ्ते बहुत ही ज़्यादा अच्छा इनकम निकल कर आया है, सभी सीरियल की कलर्स टीवी के बहुत ही ज़्यादा इस हफ्ते अच्छा इनकम निकल कर आया है। अगर वीडियो देखने में अच्छा लगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे ही नए नए अपडेट्स के लिए देखते रहिए एंटरटेनमेंट की बात, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते रहिए एंटरटेनमेंट की बात।